कोड़ा के सर्व पदाधिकारी, मैं दो भाषा में बात करूंगा, मेरी हिंदी अच्छी है, आपको समझ में आएगी। कोड़ा के सारे नेता कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित, सारे अपनी रोजी रोटी के लिए जिन्होंने यह आंदोलन खड़ा किया है और अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए आज इतनी बड़ी मात्रा में आप सारे यहाँ मौजूद है, सबसे पहले मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ, आप लोगों को सलाम करता हूँ। और एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं पहले जब हमने इंटर किया एडवोकेट अनिल परब जी के साथ, उस वक्त में कुछ बातें मेरे कान पे जो मैं सुन रहा था, और उन्होंने ये कहा कि जो कि हकीकत है, जो असलियत है, कि जब कोई कानून बनता है तो आप दुनिया की सारी हमें बातें सुनाते हो, जब कोई नया बदलाव आता है तो आप हमें दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कैसा है और हम क्यों पीछे रहना चाहते हैं, इस तरह की बातें आप हमें समझाने की कोशिश करते हैं। इस कानून में ऐसा क्यों नहीं है? इस कानून में गंगा उल्टी बह रही है। जो कानून आप थोपना चाहते हैं, मैं लाना चाहते नहीं कह रहा हूं, थोपना चाहते हैं, किसकी मर्जी है यह कानून के लिए, कोणाला कोणाला वाटत हा कायदा असाचा असा असावा, कोणाला वाटतंय का कोणाला आपल्यापैकी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये उल्टी गंगा बह रही है। मैं आप सारे लोगों से सबसे पहले शुरुआत में थोड़ी माफी भी चाहता हूं, क्योंकि मैं कुछ बातें कहूंगा वो थोड़ा सा पॉलिटिकल भी आपको लगे, लेकिन वो पॉलिटिकल है नहीं। मैं खुद ट्रेड यूनियन क्षेत्र में काम करता हूं और मैं इतना जानता हूं पूरे विश्व में, क्योंकि आईएलओ का भी मैं सदस्य हूं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी मैं सदस्य हूं, मैं इतना जानता हूं कि अगर पूरे विश्व में, अपने देश में तो छोड़िए, पूरे विश्व में अगर नॉन पॉलिटिकल कौन सी अगर ये है, कौन सा अगर एरिया है, कौन सी अगर संगठन है, तो है ट्रेड यूनियनिस्ट। ये बात और है, हर पार्टी के ट्रेड यूनियन हैं, पर यह आवश्यक नहीं है कि अगर भाई जगताप के साथ आज 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं, वो 6 लाख सारे कांग्रेस के सदस्य हो गए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं फकर के साथ हमेशा कहता हूं, मेरे 6 लाख लोगों में तकरीबन 40% शिवसैनिक है, लेकिन वो भाई जगताप जिंदाबाद बोलते, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल भाई जगताप हल करता है। और इसलिए उसमें कुछ सारे पार्टी के लोग रहेंगे, यहां भी सारे पार्टी के लोग रहेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो अगर हम बात ना करें तो बात ऐसी होगी कि हम तो बता रहे, जता रहे, हमारा गुस्सा आपस में बयां कर रहे हैं, लेकिन ये बात जहां तक जानी चाहिए वहां तो नहीं जाएगी, तो कहना जरूरी है। मैंने अभी पत्रकारों से कहा, यह सारा उल्टी गंगा क्यों बह रही है, किसके लिए बह रही है? इन्होंने अदानी की बात की, खैर वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इस देश में इस वक्त अगर मैं अगर उद्योग की बात करूं, मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूं, तो दो ही लोग नजर आते हैं, एक बार अदानी और एक हाथ में अंबानी। और ये अंबानी के दलाल अगर इस तरह का कानून बनाते हैं, उसका डट के मुकाबला होना ही चाहिए। इसके लिए मैं आया हूं। आप पहले से कर रहे हैं, ये नई बात है नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कभी आज से ही शुरू हो गया, आप पहले से कह रहे हैं इस मुकाबले का। अब अगर मैं ये कहूं, ये अंतिम चरण है भैया, इस वक्त अगर हम ये अगर समझ ना ले कि हकीकत में हमारी मेहनत, हमारे मेहनत का पूरा फल
कौन खा रहा है, कौन इससे हमसे छीन के अपना पेट भर रहा है, वो है ब्रॉडकास्टर। आज ब्रॉडकास्टर की जब मैं बात करता हूं तो जाहिर है कि चंद लोगों की बात हो जाती है। ये सारी चीजें अगर देश की पूरी यंत्रणा, चाहे वो ट्राय हो, चाहे वो ये जो कम्युनिकेशन हमारा मिनिस्ट्री हो, चाहे वो देश की सरकार हो, अगर ये सारे मिलके सिर्फ एक चीज को फोकस कर रहे हैं, हमारे काम कार्य इसमें खास करके ट्रेड यूनियन में हमेशा कहा जाता है मालिक धार्जीण निर्णय, मालिक धार्जीण धोरण। भाई यहां तो सिर्फ चार लोगों की बात है और उसमें सबसे ऊपर कौन है, अंबानी जी है। और वो क्या कह रहे हैं, दे धनादन धन धनादन जियो और तुम सारे मरो, वो अकेला जियो और हम सारे मरे। क्यों, किसी भी जगह जब केबल ऑपरेटर किसी झोपड़पट्टी में जाता है, कहीं जाता है, तूफान में जाता है, बारिश में जाता है, जब भी कभी जाता है और मेहनत वो करे, और त्याचा मलिदा कोणी खायचा, जीवो अंबानी, लड़नार नहीं आपण, लड़ाई की नहीं लड़ाईलाच लागेल, कारण बसलेले सरकार, मला आश्चर्य वाटते तुमच्या समोर एक कायदा झाला 2007 ला, त्याच्यामध्ये आलं, तेव्हाही आपल्यावर हा आरोप होत होता केबल ऑपरेटरवर, मनमानी करते है, हमारी बात नहीं सुनते और छुपाते है, जो हमारे जो कनेक्शन है वो छुपाते है। जाहिर है मेहनत करेगा, उस चीज को संभालेगा, उस चीज को संवारेगा, उस चीज को बड़ा करेगा, उसके फल तो वो खाएगा। इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है? तुम अपनी एक कनेक्शन देके, तुम अपना स्पेक्ट्रम खरीदी करके, तुम हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाल के अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो इस्तेमाल तो नहीं होंगे भाई, इस्तेमाल नहीं होंगे। क्या कैश कह रहा था, 45% ब्रॉडकास्टर को कह रहा था, 30% एमएसओ को कह रहा था, 25% ऑपरेटर को कह रहा था। तभी भी हमारे दिल में आशंका थी और तभी भी कुछ लोगों ने, मैं जानता हूं क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूं आप लोगों से, बस इस रण में, इस संग्राम में मैं आपका साथ खुल के सामने से आके इसलिए भी देना चाहता हूं क्योंकि मैंने हमेशा वर्करों की, हमेशा रोजगारों की, हमेशा रोजी रोटी कमाने वालों का साथ दिया है और हमेशा दूंगा, हमेशा दूंगा। और वही कारण है, और जैसे मैंने नीचे पत्रकारों को भी कहा, यह कोई किसी पार्टी का फोरम नहीं है, यह अपनी रोजी रोटी बचाने वालों का यह फोरम है और उसी माध्यम से उसी वही स्पिरिट लेके मैं यहां आया हूं। अब जब 45, 30, 25 था तभी भी हमारे मन में आशंका थी, अरे ये कमी पैसे आहेत, तेव्हाही आपल्याकडे आवाज झाला होता मला माहिती आहे। आणि आज देशाचे जगातले सगळे कायदे सारे कानून आप देखिए वो उल्टा चल रहा है। मैंने इसलिए कहा कि ये गंगा उल्टी क्यों बह रही है, सारे कानून कुछ अच्छा होने के लिए होते हैं, ये तो बुराई पे अटका हुआ है। और अपने माफ कीजिएगा मित्रों, चुपचाप बैठे हैं, वो तो मन की बात करते हैं, जन की बात कौन करेगा? महाराष्ट्र में 10 लाख है, देश में 1 करोड़ से ज्यादा है। आपने कितनी नौकरियां दी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुमने जुमलेबाजी बहुत की। जो नौकरी, जो रोजी रोटी हमने बनाई है, हम कमा रहे, उसके लिए बात नहीं करोगे, मन की बात करोगे? कौन से मन की बात में ये केबल वालों का इशू उन्होंने उठाया जरा बताइए तो। आज इतना बड़ा रण चल रहा है, आज इतनी बड़ी तादाद में लोग, ना कि सिर्फ मुंबई में, ना कि महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठा हो रहे अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए।
देश के प्रधानमंत्री का कोई बयान मैंने नहीं सुना, मैं तो मन की बात सुनता नहीं हूं, इसलिए नहीं सुनता, हमें आदत है जन की बात सुनने की, हम मन की बात किसी की सुनते नहीं। और लोगों ने आपको इसलिए भी चुन के दिया है कि आप जन की बात करो, मन की बात नहीं चलेगी, और इसलिए लड़ाइए। एक कानून बनता है उसी सरकार का, सरकार एक निरंतर प्रक्रिया है, सरकार कुठल्या पार्टीचं असू शकतं, निरंतर प्रक्रिया आहे। 2006-2007 ला एक कायदा बनतो आणि आज 29 डिसेंबर 2018 ला तो कायदा बदल करत असताना पूर्णतः मालकी देऊन टाकली तुम्ही आणि आम्हाला गुलाम म्हणून इथे वापरून घेणार आहात का? नाही चालणार, अजिबात चालणार नाही। त्याच्या विरोधामध्ये हा संघर्ष आम्ही उभा केलेला आहे, देशभर उभा करणार, और इसका डटके मुकाबला करेंगे, इसका डट के मुकाबला करेंगे दोस्तों। मैं वो सारी टेक्निकल बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि एडवोकेट अनिल परब जी उसके बारे में कहे, और जो भी आदेश वो देंगे वो हम सारे लोग उसका पालन करेंगे। पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मुझे यह भी बताया गया प्रकाश जावड़ेकर ज्यावेळेला या खात्याचे मंत्री होते उन्होंने कुछ बातें हमारी सुनी भी थी। आपको याद होगा, यहां मेरे पहले के प्रवक्ता ने कहा भी कि पूरे विश्व में एडवर्टाइजमेंट होती ही नहीं है, फिर हमारे यहां एडवर्टाइजमेंट का पैसा कहां जाएगा? सिर्फ जियो और बाकी सब मरो, नहीं जीने देंगे, इसका जीना हराम करेंगे, यह हम लोगों को करना चाहिए। क्यों तुम करोगे? नेटवर्क हमारा, मेहनत हमारी, सारी चीजें हमारी, और एडवर्टाइजमेंट का पैसा तुम अकेला जिएगा? दोस्तों बहुत ही कठिन लड़ाई है, मैं बता रहा हूं आपको, हमने बहुत सारी लड़ी है। हमने पिछले 32 साल से मैं वर्कर का काम करता हूं, कामगारों का काम करता हूं, बहुत सारे, और मेरी सरकार थी उसके खिलाफ भी मैंने लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार बदली उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि रोजी रोटी की, रोजगारों की लड़ाई निरंतर चल रही है, वो आजादी के पहले भी थी, आज भी है, दुर्भाग्य से आज भी है। आज भी कोई सब आराम से सब कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें लड़ना पड़ता है, मांगना पड़ता है, वहां जाके मोर्चे निकालने पड़ते हैं, वहां जाके धरना धरना पड़ता है, तब जाके कोई कानून में तब्दीली आती है, कोई कानून बदली होता है। और इसलिए मला या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांच्या नजरेला हेच आणून द्यायचं आहे की कायदा बदलताना निदान प्रकाश जावडेकरांनी ज्या वेळेला आपल्याला एक संदेश दिला, एक संकेत दिला की नाही मग ॲडव्हर्टाइजमेंटवर आम्ही बंदी आणू किंवा त्याला एक आम्ही रेग्युलराइज करू, प्रकाश जावडेकर गायब। मित्रो भारी काम है मित्रों का, चाहे जो भी हो। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई शायद प्रकाश जावड़ेकर जी को यह बात हमारे कुछ लोगों ने अच्छी तरह समझाई थी कि हमारा दर्द कहां है और इस दर्द की आप दवा करो, और उन्होंने बराबर नस पकड़ ली थी, बस प्रकाश जावड़ेकर गायब, दूसरे महाराज आ गए। अभी वो तो भारी महाराज है सब, आजकल तो ऐसा है कि माफ कीजिएगा ये मैं कह रहा हूं, पर मुझे कभी कभी आशंका होती है दिल में, भगवान के मंदिर में जाते वक्त भी भगवान कौन से जाति का, ये भी आजकल तय हो रहा है दुर्भाग्य से। तो मुझे डर लगता है भाई, भगवान को तो सभी मानने वाले हैं, ऐसा थोड़ी है किसी का ठेका लिया है किसी ने भगवान का, नहीं। ठीक है राजनीति कर दीजिए आप जो करना है, कम से कम भगवान को तो छोड़ो यार, उसको तो छोड़ो, खैर उसको जो करना है करो, हमें बताओ, हमें बताओ कि आप हमारा न्याय कैसे करेंगे। और अगर न्याय नहीं हो रहा तो हमारा काम बनता है कि उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। और मैं आप सारे लोगों को सबसे पहले जो मैंने सलाम किया उसका कारण यही है, मैं पहली बार देख रहा हूं केबल वाले जो एक दूसरे के खिलाफ त्याच्या एरियात घुस, ह्याच्या एरियात घुस, तिथे केबल टाक, इथे केबल टाक करणारे सगळे आपल्या रोजीरोटीसाठी एकत्र आलेत, म्हणून तुम्हाला सलाम केला होता मी सगळ्यांना।
आणि ही जी एकी आहे, ये जो एकता है इसको बरकरार रखिएगा दोस्तों। बहुत प्रयास हो भी रहा है जो मुझे पता है, बहुत प्रयास आगे भी होगा आप लोगों में डिवाइड एंड रूल करने में। आपको पता है कि हैथवे वाले ने शुरू कर दिया है वो सब। क्या शुरू कर दिया है? आप पोस्ट देख रहे हैं ना सारे आजकल परब जी, आजकल मुझे भी वो एक आदत लगी है यार, ये केबल वालों का क्या है जरा देख लू, जरा उसको पढ़ लू। हैथवे वालों का एक उन्होंने पोस्ट डाली थी, ये कितना सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है भाई, ये तू सुंदर जो बोल रहा है, हैथवे शिखंडी का काम कर रहा है। शिखंडी समझते है कि नहीं? हैथवे शिखंडी का काम कर रहा है, उसके पीछे है कौन? जियो, जियो चोर। ये बात खुल के कहिएगा, डरने की किसको आवश्यकता नहीं है, किसको डरने की आवश्यकता नहीं है। और हम जब अपनी, मैंने उस दिन भी कहा था आज भी कह रहा हूं, पेट की आग पेट तक रहने दो, अगर वो दिमाग में गई जियो भी वो कुछ नहीं होगा, फिर देखिएगा क्या होता है। जी मैं आखिर में वो भी मैं बातें करूंगा, मैं आपका बहुत सारा वक्त नहीं लूंगा और 2-3 मिनट में अपनी बातें खत्म करूंगा, क्योंकि उनको बाकी सारा जो आंदोलन की दिशा है वो सारा जाहिर करना चाहते, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, हम ये बातें किससे कर रहे हैं? उस सरकार से जो उनके घर में बैठी हुई है, जो जियो वालों को का हौसला उनका बढ़ा रहे हैं, तुम मरो पर वो जिए। उस सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं तो ताकत भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। और जब मैं ताकत की बात करता हूं तो जाहिर है कि भाई ताकत आज तो जुटाई है अपने, उसका सही ढंग से अगर हम इस्तेमाल नहीं करें तो मुश्किल होगी। आज हैथवे शिखंडी का जो काम कर रहा है, कुछ पोस्ट गलत सलत डाल रहा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, सावधान रहिएगा, तुम्ही सावध रहा। हे कस चांगल है आणि ग्राहकाला कस ये आहे फायद्याचं आहे हा सांगण्याचा प्रयत्न होतोय। माझी विनंती है, मैं 2-3 सुझाव मैं देना चाहता हूं, आपने जो आंदोलन तैयार किया है उसको 100% उसमें समर्थन है। इसके पहले भी हाउस में यहां वहां मैंने समर्थन किया, आगे भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोगों ने उसका पूरा आयोजन भी किया होगा, तुम्ही ते सगळं केलं असेल। आपल्याला असं वाटत नाही का? हमें किसी को ऐसा नहीं लगता है क्या? पूरे देश में, पूरे विश्व में, क्योंकि आजकल हम पूरे विश्व में भी जाते हैं, आप देखिए पूरे टीवी किससे छाया हुआ है, 49 रुपए में सब कुछ। अरे तेरी तो 49 रुपए में सब कुछ, साले वो कहने के लिए तो करोड़ों रुपया लिया होगा उसने। अब ये 49 रुपया है क्या? लोगों को यही लग रहा है कि भाई अरे यार अपनी तो चांदी है, पता नहीं कि चांदी बांदी तो छोड़ी दे दीजिए, तुम्हारी वो मरम्मत करेंगे जो 2014 में 440 रुपए का सिलेंडर आज 1000 रुपया 900 के आसपास आ गया, खरीदना तो पड़ता है भाई। तब तो हेमा मालिनी भी आई थी रस्ते पे, अरे मैंने कहा यार कमाल हो गई यार, वाह 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 क्या बदलाव आ रहा है देश में, हेमा मालिनी बाटला लेके, वाह वाह। मैंने हमने पूछा उनको, अब बाटले में क्या है जरा बताओ। तो हमारी बातें नहीं आ रही है, उनकी बातें आ रही है मीडिया में। मैं जानता हूं मीडिया हमारा साथ नहीं देगा क्योंकि उन्हीं के हाथ में है, पर जो केबल धारक है वो तो हमारे हैं। इतने सारे जो आज यहां बैठे हुए हजारों के तादाद में, हर एक के पास जो केबल धारक है, मेरा सुझाव यह है कि आप अपना कोई निवेदन उन्हें दे दीजिए, उन्हें वो जो गलत फहमी जो फैला रहे हैं या गलत फहमी में उनको रख रहे हैं उसका खुलासा तो होना चाहिए। आंदोलन तो हम करेंगे, आप मोर्चा की बात कर रहे हैं, मोर्चा में आएंगे, वहां सब आएंगे, वहां केबल धारक को उसको कोई पड़ी हुई नहीं, हर रोज आंदोलन देखता है किसान, हजारों के तादाद में आत्महत्या कर रहा है, किसको पड़ी है? मित्रों को तो बिल्कुल पड़ी नहीं है,
मित्रों के चमचों को तो बिल्कुल पड़ी नहीं। पढ़िए उसी को जिसके घर में कोई जाता है, तो हम अपने जो औजार है उसको तो इस्तेमाल करें। मेरा वो सुझाव है, शायद आपने किया भी होगा, क्योंकि वो पूरा इंसर्शन अपना निवेदन हकीकत को लेके जे आता अपन एडवोकेट परब आपण जे सांगितलं, जे गणित साधं गणित आहे, 350-400 आम्ही देत होतो, चांगली गोष्ट आहे। नंबर दोनचा सुझाव माझा, जो आपण पत्रकारांना बोलताना मी ऐकलेला आहे, ब्लॅकआउटचा आपण तो निर्णय घेतलेला आहे, आपण आंदोलनाचा मोर्चाचा निर्णय घेतलेला आहे। हे आंदोलन आज 26 तारीख आहे, 27-28 दोनच दिवस आपल्या हातात आहेत, आणि म्हणून या आंदोलनाची झळ, या आंदोलनाची दाहकता, या आंदोलनाचा खऱ्या अर्थाने एक भीती, भीती हा शब्द योग्य आहे, काही वाईट नाही, त्यांना जोपर्यंत ही भीती वाटत नाही की ये हमारा कुछ बिगाड़ देंगे भाई, ये सब बिगाड़ देंगे, उसका मतलब कोई तोड़फोड़ करना चाहिए वो भी नहीं, और वक्त आया तो वो भी करेंगे, ये बता रहे हैं हम साहब को। हमारा परिवार बर्बाद करके अगर कोई आबादी, एक व्यक्ति की आबादी के लिए चमचागिरी कर रहा है, वो भी करेंगे, वो हमारी खासियत है, और ये कामगारों की आवाज है भाई, ये इनकी भी कामगारों की आवाज होती है, इसलिए हमारा बहुत बातें मिलती जुलती होती है हाउस में, हालांकि ये सत्ता में है, मैं तो सामने हूं, पर जब भी कभी बात वर्कर की निकलती है, जब भी कभी बात मुंबई की समस्या की निकलती है, ये बंदा अपनी सरकार है ये सोचता नहीं, ये बात करता है, इसलिए मैं समर्थन करता हूं उनका। मैं तो बोलते ही रहता हूं, मेरी सरकार थी तभी भी हाउस मैंने बंद किया था एक वर्कर के मुद्दे पे। तो खैर, मेरा आपसे वही निवेदन है, चाहे अपनी बात कस्टमर को समझाए सबसे पहले, क्योंकि मैं ये बताने जा रहा हूं आपको, कोई भी सरकार, चाहे वो मेरी सरकार होती चाहे कोई भी सरकार हो, तब तक आंखें बंद करके सोएगी जब तक उन्हें यह एहसास नहीं होगा कि आवाम में, लोगों में यह बात गई है, और लोग जागृत होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे, और ना कि सिर्फ हजारों लोगों की बात कर रहा हूं, आज जैसे महाराष्ट्र में 10 लाख लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है परब साहब, और मैं आपका साथ दूंगा उसमें, मेरा फर्ज भी बनता है कि ये मोर्चा जो हम निकालने जा रहे हैं या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो 5-10 हजार का नहीं होना चाहिए, लाखों लोगों का होना चाहिए, ताकि उसकी आवाज, उसका जो कॉग्निजेंस है वो ऊपर तक ले जाए, सरकार त्याचं एक दखल घेईल, आणि आपल्या आंदोलनाला कसल्याही प्रकारचं गालबोट न लावता तोडफोड हा शब्द मी शेवटी वापरलेला आहे, त्याचं कारण असं आहे, ताकद आहे, अभी भी कर सकते है, यही करते आया हूं, कोई मुद्दा नहीं है, सरकार चाहे किसी की भी हो, हमने कभी एक ऊपर वाला छोड़ के कभी डरना सीखा ही नहीं है, क्योंकि यहां सच्चाई है, और जब दिल में सच्चाई होती है तो किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो मित्रों क्यों ना हो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, ये हमारी लड़ाई, मैं बहुत सारे मुद्दे, कुछ मेरे मित्रों ने मुझे कहे भी कि भाई उसमें ये बात जरा करो, वो सारी बातें टेक्निकल बातें परब साहब करेंगे, क्योंकि ये उनका फोटे है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसमें कुछ करूं, पर एक आश्वासित आप सारे लोगों को, महाराष्ट्र के जितने भी केबल ऑपरेटर यहां आए हुए, उनको आश्वासित करना चाहता हूं कि आप जो भी कदम उठाओगे, आपके कंधे को कंधा लगा के ही नहीं, सिर्फ एक कदम आगे भाई जगताप चलेगा, और जाते जाते एक शेर भी कह दूं, इरशाद कह रहे हैं, ये न पूछो कि हमारी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ये न पूछो कि हमारी मंजिल कहां है, जीतेंगे वो हर बाजी कोड़ा वाले, जीतेंगे वो हर बाजी सरकार, जीतेंगे वो हर बाजी रोजी रोटी की, ये किसी और से नहीं,
अपने आप से वादा किया है, अपने आप से वादा किया है। धन्यवाद आप सारे लोगों का। जय हिंद।